हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कैसे हो, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं आप लोगों को देख रही हूँ, रेडी हो रही हूँ कहाँ के लिए। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, जैसे आगे क्या बताना है आगे भी बताना है, और अभी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरा आज है फास्ट फ्राइडे का, तो मैं कुछ साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैंने सोचा फिर आप लोगों को शेयर किया जाए। मेरी न्यू साड़ी है जो मैंने रेडी की है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो मैं आप लोगों को अभी रेडी हुई नहीं हूँ, मेकअप कर देती हूँ थोड़ा सा। आज फ्राइडे है तो घर के हिसाब से मैं किस तरीके से मेकअप करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ तैयार होने के बाद, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ जो आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊँ। तो जो जो मेरे से बन पाएगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी बनी रहिए, और बाकी मैं तैयार होने के बाद आपको ये लुक दिखाती हूँ। वैसे साड़ी कुछ इस टाइप की है। इसका ब्लाउज अभी रेडी हुआ नहीं था, टेलर ने रेडी नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर गोल्डन लगा लूँ, क्योंकि इस पर गोल्डन की ही पट्टी आप लोगों को दिख रही होगी। सो गाइस, अभी मैं रेडी होती हूँ और आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, पूरी साड़ी दिखाऊंगी। आप लोगों को बताना मुझे ज़रूर कि मैं कैसी लगूँगी। ओके सो चलो मिलते हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों को अपनी साड़ी दिखा दी है पूरी की पूरी, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी, कलर कैसा लगा। और मैंने इसका ब्लाउज़ आप लोगों को बताया कि मैंने अभी तक तैयार नहीं करवाया था, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा इमरजेंसी में यही चला लेती हूँ। गोल्डन और ब्लैक रेड ऐसा ब्लाउज़ है कि कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग किसी पर भी चल जाता है, तो सो मैंने इसीलिए गोल्डन कलर का ब्लाउज़ डाल लिया इसके साथ। और यहाँ पर दीदी कर रही हैं कुछ तैयारियाँ पूजा के लिए। ये क्या होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्रत है, पहले मेरी सास रखती थी और उसके बाद उन्होंने मुझे दे दिया। ऐसे हो जाता है, जिनसे नहीं रखा जाता है, जो बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो अपने बहू को दे देती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया, मतलब मुझे दे दिया, मैंने ले लिया। दीदी तो शुरू से ही रखती है मम्मी के साथ ही, तो दीदी को कोई ज़रूरत ही नहीं थी लेने की। बाकी बीच वाली जो दीदी है वो रखती ही नहीं है स्टार्टिंग से। सो यहाँ पे तीनों के लिए, क्योंकि हम तीन जनी थी, ये भी मेरी जिठानी ही लगती हैं। दीदी ने एक अपने लिए बनाया था, एक कविता दी के लिए बनाया था और एक मेरे लिए बनाया था। और ये प्लेट में हमारा खाना है जो हम कहानी सुनने के बाद, जल देने के बाद, पूजा करने के बाद खाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम अभी ही खाएंगे, इसको हम शाम को भी खा सकते हैं, बस नमक ही नहीं खाना है हमें पूरा दिन। बाकी हम इसको बाद में भी खा सकते हैं, जिससे जितना बन सकता है वो अभी खा सकता है, बाकी बाद में भी खाया जा सकता है। सो गाइस, यहाँ पे पूजा कम्प्लीटली तैयारी हो चुकी है पूजा की। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ 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 गाइस, आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इंजॉय कर सकें। सो गाइस, लाइक और कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दीदी आई है सूट में। दीदी ने बोला कि मुझे नहीं लेना है क्योंकि मैंने साड़ी नहीं पहनी है, वो आज इसलिए ऐसे बोल रही थी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के आई थी, इसीलिए मैंने दीदी को अभी नहीं लिया है। वो कह रही थी कि क्या ना मैं साड़ी पहनूंगी तब लेना, पर मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, तो फिर मैंने बाद में वीडियो बनाया ही नहीं है, व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा। हाँ, पर मैंने इंस्टा पर अपने रील्स बनाए हैं दीदी के साथ, दीदी ने अपने आईडी पे बनाए हैं, मैंने अपने पे, तो चैनल जाके उनका भी और मेरा भी, दोनों का इंस्टाग्राम आईडी मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों को। सो गाइज, यहाँ पर हमारी कथा कहानी शुरू हो गई है, यहाँ पर दीदी कथा सुना रही है हमें, काफ़ी देर तक चलेगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ना पकाऊं इतनी देर तक। सो यहाँ पे हमारी कथा कंप्लीट हो गई है, अब हम जल दे रहे हैं। और जल मैंने और दी ने तुलसा में दे दी थी, और बड़ी दी ने गमले में दे दी थी, थोड़ा सा लास्ट में जो बचा था वो तुलसा में दे दिया था। तो यहाँ पे ना एक मतलब होली हो, होली हो, करवा चौथ हो, कोई भी त्यौहार हो, तो बड़ों के पैर ऐसे ही छुए जाते हैं, तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद हमने दी के पैर छुए। मेरा था कि दोनों के ही छूने हैं, क्योंकि दोनों बड़ी थी मेरे से, तो जाहिर सी बात है दोनों के पैर छूने बनते हैं, तो दीदी के पैर दबा दिए थे और यहाँ कविता दी के पैर छू लिए थे, क्योंकि ये दबवाती दबा लेती हैं, पर मैंने दबाए नहीं आज तक।
बाकी हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट, अब हम खाना खा लेते हैं। खाना आपको शेयर नहीं करना था आप लोगों के साथ, इसलिए दिखाया नहीं। तो सो गाइस हम घर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर